पालिका की तरफ से, क्या उन्हें मिलेंगे? बात सुनने कर पहले बीच में आ जावे, लेके चल दे कहीं इनको दिखता ना जब बातचीत हो रही है। तू कोई ठेकेदार है भाई? उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में नगर पालिका परिषद की नगर पालिका परिषद के सभागार में बैठक संपन्न शुरू हुई। बैठक में हापुड़ विधायक विजयपाल आरती, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पुष्पा देवी, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी सौरभ नाथ, नवनिर्वाचित सभासदों के साथ साथ नगर पालिका के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हापुड़ नगर पालिका परिषद की बीती जब नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पुष्पा देवी से पत्रकारों ने प्रस्ताव संख्या 20 क्रम संख्या 1 350 कार्मिक को मिलने वाली तनख्वाह लगभग 12,000 रुपये प्रति माह के बारे में बात की तो नगर पालिका अध्यक्ष अपनी कुर्सी छोड़ वह सभागार स्थल से चल दी। सुनते हैं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पुष्पा देवी को। मैडम, सफाई कर्मियों को लगभग 12,851 रुपए दिए जाते हैं नगर पालिका की तरफ से, क्या उन्हें मिलेंगे? बात सुनने कर पहले बीच में आ जावे, लेके चल दे कहीं इनको दिखता ना जब बातचीत हो रही है। तू कोई ठेकेदार है भाई? जब पुष्पा देवी 44,61,168 रुपए का 350 सफाई कार्मिकों की प्रतिमाह वेतन देने का जवाब नहीं दे पाई तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हापुड़ विजयपाल आरती ने प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं हापुड़ विधायक विजयपाल आरती को। विधायक जी, सफाई कर्मियों के लिए नगर पालिका 12,000 कुछ रुपए देती है और उन्हें पूरे नहीं मिल पाते, इस पे क्या कहना है आपका? नगर पालिका कर्मचारियों के मिले बखत है, धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस बैठक को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प की हमारी। और ये बैठक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे नए चेयरमैन भी आए हैं और मैं भी एज अ पहला अपॉइंटी यहाँ पे आया हूँ। आज की बैठक 21 जून को रखी गई जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ योगा डे भी है और उस उपलक्ष्य में हम भी एक ऐतिहासिक दिन पर ही बैठक किए हैं। आज के दिन 64 प्रस्ताव रखे गए थे जिसमें एक एक कर सभी प्रस्तावों में सर्वसम्मति से और कुछ प्रस्तावों में एडिशनल इनपुट के साथ पास किए गए हैं। अन्य जो भी डिमांड्स हैं लोगों के, जो मेंबर्स के हैं, वो भी लिए गए हैं और हम आशा करते हैं कि हम उनका काम सही समय पे करेंगे और जल्द से जल्द बोर्ड बैठक भी कराने का भी एक सोच है ताकि समय समय पर बोर्ड बैठक हो के प्रस्ताव आगे जाए और उक्त कार्रवाई की जाए। सर, बारिश का मौसम नज़दीक है और नाले फटे पड़े हैं गंदगी से, मेरे पास वीडियो में दिखा देता हूँ, उस पर क्या है? इसके लिए जैसा मैंने चिन्हित किया है नालों को अलग अलग, कि बड़े नाले कौन से हैं, छोटे नाले और मीडियम नाले कौन से हैं, और उसको सेक्टर वाइज डिवाइड करके सफाई का मैंने चीफ साहब से अपने बात की है और हम जल्द से जल्द उसको सफाई करेंगे। रात में हल्की सी बारिश हुई थी, हाँ, उस बारिश से सरकारी अस्पताल के सामने जो सड़क है काफ़ी पानी भरा हुआ, कई राहगीर वहाँ गिर भी गए थे, उस पर क्या कहना? मैंने चीफ साहब को उसके बारे में बता दिया था, उन्होंने कार्रवाई की थी उसमें और मैं आशा करता हूँ कि और अच्छे तरीके से काम किया जाएगा अगले आने वाले समय में। कुछ नगर पालिका के वाहन ऐसे हैं जिनके वाहन, जिन वाहनों पर ना तो नंबर प्लेट है और ना ही जो उनका बीमा है और वो अपनी सड़क पर दौड़ रहे हैं। मैं अपने उससे कुछ दुर्घटना हो जाती है उसको क्लेम कौन करेगा? जो रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, गवर्नमेंट को जो उसका टैक्स जाना चाहिए, लेकिन ऐसा दौड़ रहे हैं तो क्या मतलब है इसका? गलत है, टैक्स चोरी की जा रही है। इसके लिए मैं अपने अनुज्ञापन विभाग से बात करूंगा और लाइसेंस जो इशू है उसको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। सर, 350 सफाई कर्मचारी हैं जो आपके एजेंडे में दिए गए हैं, लेकिन सफाई नहीं हो रही है शहर की, क्या कारण है इसका? इसके लिए सभी वार्डों में सफाई नायक तैनात हैं जो अटेंडेंस रजिस्टर्स रखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सभी वार्डों में जाकर अपना सफाई नायकों से उनका अटेंडेंस रजिस्टर चेक करूं और जो भी कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं उनका अटेंडेंस मेंटेन हो और वो काम करें और तभी सफाई हो सकती है। लेकिन सर, ये भी देखा गया है कहीं 5 कि सफाई नायक पैसे लेके हाजिरी लगाते हैं लेकिन सफाई कर्मचारी काम पर नहीं आते हैं।
इस पे जांच की जाएगी और मैं कार्रवाई करने का ट्राई करूंगा। सर एक सवाल हमारा, सर बंदरों का आतंक है, ये 2 महीने के बच्चे इस पे हम बोर्ड में भी काफी चर्चा हुई है इस पे और विधायक जी ने भी। सर एक अधिकारी के, नगर पालिका के अधिकारी जो विधायक जी को ये कहा कि हम क्या अपने खेत बेच के आपके एजेंडे को पूरा करें, ये जो स्टेटमेंट था आई थिंक ये दुर्भाग्यपूर्ण था और इस पे हम जांच करेंगे क्या है और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उक्त कार्रवाई क्या कार्रवाई होगी सर, जो विधायक के सामने विधायक की बात हो रही है उस पर बैठक होगी, देखते हैं क्या करते हैं, अभी तो मैंने उस पता नहीं है। सर नगर पालिका द्वारा एक पानी का टैंकर पूरे सब में घुमा दिया जाता है, उसके बाद में भी पानी पौधों को नहीं मिल पाता है, इसके बारे में क्या करना चाहिए? पानी की समस्या तो शहर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पानी की सप्लाई हो सके और नियमित हो सके उसके लिए हम हमेशा कार्यरत रहेंगे और आशा करेंगे कि आने वाले समय में पानी की समस्या सॉल्व हो। अगला सवाल हमारा ये है कि जो सिरधारा निकलती है नालों से समय अनुसार उसको उठा लेना चाहिए, 12 घंटे उठा लेना चाहिए, 24 घंटे हो जाते हैं, 36 घंटे हो जाते हैं, दुकानदार परेशान होते हैं, दुकानदारों के दुकानों पर आगे पड़ा रहता है, वो बदबू आती है, दुकान उनकी चल नहीं पाती है, मजदूरों को दुकानें बंद करनी चाहिए, तो सिर्फ क्राइटेरिया होना चाहिए कि आज निकाला है तो कल उसको उठा देना चाहिए, लेकिन वो उठता नहीं है कि पड़ा रहता है दो दो तीन तीन दिन तक, उसके बदबू सड़क पर भी आना जाना होती है, दुकानदार भी परेशान होता है, ग्राहक भी परेशान होता है, उसका व्यापार ठप होता है। ठीक है, इसको संज्ञान लिया जाएगा। के अनुसार नालों पे अतिक्रमण नहीं करा जाता लेकिन फिर भी गोल मार्केट में नालों के ऊपर अतिक्रमण हुआ है जिससे नालों की सफाई नहीं हो पाती है। हाँ तो हम इसके बारे में कार्रवाई करेंगे, उनको नोटिस भेजेंगे। नोटिस कई बार जा चुका है लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, पिछले 5 सालों में भी नोटिस बहुत दिए हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। ठीक है, मैं आया हूँ, देखता हूँ इसको, इसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं। सर एक सवाल है, प्रस्ताव रखा गया था 44,61,168 रुपये का, 300 कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह बैठते 12,746 रुपये लग, 1200 रुपये बैठती है 12,000 से, तो क्या हम सफाई कर्मियों को इतने पैसे नगर पालिका दे पाएगी जो आपसे ले रहे हैं? हमारे लिए अलग से फंड आते हैं इसके लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए टाइड फंड से, आई थिंक टाइड फंड से आते हैं। नहीं आते तो मेरा सवाल ये है क्या उनको इतनी तनख्वाह मिल पाएगी? हाँ हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उनको उनका रिमुनरेशन मिल पाए और जो उनके ठेकेदार हैं। नहीं आप नगर पालिका तो पूरा देती है, हाँ लेकिन वो जो उनको पूरा नहीं मिल पाता हम तो ट्राई करते हैं कि पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाए उनके खाते में ही, अगर कुछ चूक रहती है तो हम जांच करेंगे उसकी और कमियां पाए जाने पे कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई होगी यदि कमियां पाएगी? अगर कमियां पाई जाती हैं तो जो भी नियमानुसार जो ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने तक भी जा सकते हैं। सर प्रकाश विभाग में ऐसा हुआ है कि 27 दिखाए जा रहे हैं और कर्मचारी 16 काम कर रहे हैं वहाँ पे, ये हमने बताया अभी, इनके ही माध्यम से वो एड्रेस हुआ है कि ठीक है उसको हम देखेंगे नियम अनुसार कर देंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि हापुड़ नगर पालिका अध्यक्ष 350 सफाई कर्मियों को 44,61,168 रुपये प्रतिमाह मिलने वाले वेतन के बारे में क्यों नहीं बता पाई, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। ATC फास्ट न्यूज़ हापुड़।